आपकी ना बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, मैं आपको जानती हूँ 2011-12 से, मैं आपको 10 साल से भी ऊपर का जानती हूँ, और आपको तो पता ही होगा ना हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, किसके थ्रू हुई थी। कल जो मैंने आपका रूप देखा है ना, आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड इन यू, आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड इन यू, क्योंकि आप वही बंदे थे जिन्होंने ये जो M103 पे जब बात हो रही थी इस्लामाफोबिया का, जो मोशन कनाडा में आ रहा था, जहां आप थे, तारिक फतेह जी थे, करीमा बलोच आई थी और एक और साहब थे, वो आए थे। अब उस इवेंट में क्या हुआ था, उस इवेंट में ये हुआ था कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने में मेरा, उस वक्त मैं अपने आप को पारसी कहती थी, आई वॉज नॉट एन एक्स मुस्लिम या एक्स व्हाटएवर, ठीक है ना, तो मुझे आइडेंटिफाई करना था किसी चीज से, तो आई जस्ट कॉल्ड माइसेल्फ पारसी, हालांकि आई डिडंट बिलीव इन एनीथिंग। मगर और फिर एक हिंदू था, राइट, जिन्होंने, हम दोनों ने मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हम लोगों ने दूसरे भी स्पीकर्स को बुलाया था जो नॉन मुस्लिम्स थे, मगर रिक्वेस्ट ये आई थी इन लोगों से कि नहीं, सिर्फ मुसलमान ही उस मंच पे बात करेंगे और कोई नहीं करेगा। और मुझको भी इन्होंने, जिसने सारी चीजें ऑर्गेनाइज की, जिसने सारे लोगों को बुलाया, जिसने ईमेल सब कुछ, यानी आई वाज द एवरीथिंग बिहाइंड इट, एंड द अदर गाय दैट वाज डूइंग, जो एक हिंदू था उसे, अभी भी है वो मेरे साथ हैं, काम करते थे, तो हम दोनों को, मुझे एक सिर्फ कोट इन लोगों ने बोलने की इजाजत दी, इतने टेंट्रम्स इनके, और वो जो बेचारा था उसको इन्होंने मुश्किल से 5 मिनट के लिए बात करने दी, इतनी सुपीरियरिटी इनकी कॉम्प्लेक्स दिखाने की कि नहीं, हम सिर्फ मुसलमान ही बात करेंगे। तो उस वक्त तो आप इस्लामोफोबिया के ऊपर बात कर रहे थे, मतलब कि इस्लामोफोबिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप इस्लाम को क्रिटिसाइज कर सकते हो, राइट, आप तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए थे उस दिन, तो आपको कल क्या हो गया? अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हो और इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट हो, तो अब आप हिंदू फोबिया के उस पर क्यों बैठे हुए हो? पहली बात तो ये, अच्छा नहीं, पहले मुझे ये खत्म कर लेने दें। तो ताहिर गोरा जी, आपसे फिर मेरी जब बात हुई थी, आपका तो सब टीवी भी नहीं था, फिर आपकी मेरी बातचीत हुई थी, आई थिंक आई कैंट रिमेम्बर, मैं एक दफा आपके स्टूडियो आई थी जब आपने नया नया टीवी खोला था, तो आपने मुझे बुलाया था वहां पे कि आप आए और हमारे साथ शो करें, तो उस वक्त मैं आई थी, मगर मैं शो नहीं कर सकती क्योंकि आप मुझको कुछ पैसे नहीं दे रहे थे, मैं फ्री में क्यों करूं किसी का भी शो। फिर आपने 2017 में भी आपने मुझको एक ऑफर मारी थी इसी तरह की, आपके साथ शो करें, जिनको देखना है ना वो टैग टीवी के उस पर जाए, अनस्पोकन लिखे और आपको वो दिख जाएगा जो हमने प्रोमो शूट किया था। और अभी फनी थिंग इज कि अभी 2 महीने नहीं, 1.5 महीने पहले ही मैंने इनको मैसेज किया, क्योंकि मैंने अपने इंग्लिश चैनल का जो शो है उसका नाम यही रखा है, अनस्पोकन, तो मेरे अंदर ये तमीज है, मैंने इनको मैसेज करा और मैंने इनसे कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वो नाम जो है अपने उसके लिए शो के लिए यूज कर लूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप वो कर लो और ये मेरा नंबर है, मुझको फोन जरूर कर लेना। ये हमारी रीसेंट जो है ना ताहिर गोरा जी आपके साथ बात हुई थी। अब आप उस वक्त जब मैं आपसे मिल रही थी और आपसे बात की थी मैंने, तो उस वक्त आप मुसलमानों के, यानी जो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे होते थे ना, याद है ना केविन जॉनसन जिसके पीछे पड़े हुए थे आप, जो मुसलमानों की हेट फैला रहा था, याद है ना आपको, आप इतने वो हो रहे थे उस पे, तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो रही थी केविन से, क्योंकि वो आप, यानी मुसलमानों पे, हालांकि वो आपके ना मोहम्मद को गाली दे रहा था ना अल्लाह को गाली दे रहा था, मगर कल आप जिस मंच पे बैठे हुए थे ना, वो सारे चैट में ना आपके मोहम्मद को भी गाली देते हैं, वो आपके अल्लाह को भी गाली देते हैं, वो आपकी रिलीजन की मां बहन करते हैं, मगर आप वहां बैठे रहे और आप सपोर्ट करते रहे, और ऐसी ऐसी बातें आपके मुंह से निकली है, लाइक आई लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, आई हाईली रिस्पेक्टेड यू, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे आपसे मिलवाया था ना, आई ऑल्सो रिस्पेक्टेड हिम, वो उनके पास भी थोड़ा दिमाग था, मगर आई टोटली लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू आपकी हिपोक्रेसी देखकर, कल तो मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया, आई वॉज लाइक व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। तीसरी बात यह है कि मैं आप, मुझे क्या आप लॉ सिखाएंगे, जो आप बार बार बोल रहे थे ना कि कैनेडा में जो लोग बैठे हैं, कनाडा के, मैं आपको लॉ बता देती हूँ ना, आपका इनडायरेक्टली ना मुझ पे इशारा था, मुझे पता है, मेरे पास समझ है
कनाडा में ना हेट स्पीच के लॉज हैं, तो कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप किसी भी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप यहाँ पर मोहम्मद को भी गाली दे सकते हो, आप यहाँ पे कृष्णा को भी गाली दे सकते हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है, ठीक है ना। हेट स्पीच क्या होती है? अब हेट स्पीच ये होती है कि आप यहाँ बैठकर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते हो, जो आपके सारे चैनल्स कर रहे होते हैं ना बैठ के, वो एक डेनमार्क में है, सारे इंडिया के जो चैनल्स आप जहां जहां जाते हैं ना, वो सारे हेट स्पीच कर रहे होते हैं, वो हेट फैला रहे होते हैं एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, ओके ना, दैट इज हेट स्पीच। हेट स्पीच मतलब कि मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि भैया एक कम्युनिटी है उन सब पे जुल्म तशद्दुद करो, एक कम्युनिटी है उस पर, तो आके मुझे फौरन पकड़ के ले जाएंगे हेट स्पीच पे। ये चीज तो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए ना। मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, उस पे हम बैठ के यहाँ पे आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि कल जैसे आपने आपने नाम नहीं लिया मेरा, थोड़े से आप हो समझदार, आपने नाम नहीं लिया मेरा, क्योंकि कल अगर आप मेरा नाम ले लेते ना, और जो प्रोपोगेंडा आप वहां बैठ के कर रहे थे कि ये लोग एंटी हिंदू और एंटी इंडियन है, तो आप एक डेफेमेशन का केस जरूर हो जाता, क्योंकि आप यहाँ पे बैठ के किसी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो, आपसे ज्यादा कौन जानेगा, आपके ऊपर तो खुद केसेस हुए हैं इसी बात पे। अब मैं आगे और क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं आगे, मेरी जबान मत खुलवाइए आप लोग प्लीज, ठीक है ना। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी जानती हूँ जिसपे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, और मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं किसी को ब्लैकमेल वगैरह नहीं कर रही हूँ, बट आई एम सेइंग कि आप खुद दूध से धुले हुए नहीं हो, ठीक है ना, आपके ऊपर खुद केस चल रहा है किस चीज पे, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। आप किसी के कैरेक्टर को बैठ के ना डिफेम नहीं कर सकते हो, समझ में आई ना। मैं आपको डिफेम नहीं कर रही हूं, मगर मैं आपने जो कल बातें की है ना, वो बहुत ही निहायत जो है ना, लाइक आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी है वो पूरी की पूरी। और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एंटी हिंदू हूं, एंटी इंडियन हूं। आप जैसा बंदा जो मुझको इतने सालों से जानता है, Highly disappointed. Like, आपके लिए, आपको पता है कि आपके लिए, आपके टीवी के लिए मैं ये जो पाकिस्तानी दूसरे थे ना उनसे कितना लड़ती थी, ये तो आप देख रहे थे ना, और आपने मुझे ही बस के नीचे दे दिया कल। क्या करें, पैसा सबसे बड़ा रुपया।